हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जीटी गार्डन में। हम आपको आज दिखा रहे हैं एप्पल वेयर छत पे कैसे उगा है। तो ये इतना बड़ा पौधा जो आप देख रहे हैं, 1 से 1.5 साल का पौधा है और ये एप्पल वेयर का पौधा है, बेर का पौधा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 1 महीने पहले फूल आया और 1 महीने में इतना बड़ा बेर बन चुका है। तो मैंने इतने बड़े बकेट में इसको लगा रखा है। ये जो एक बकेट होता है, जब घर में टूट फूट जाता है तो इसमें मिट्टी डाल के आप लगा सकते हैं। तो इसको लगाए कैसे आप, बीज से ही लगाएंगे तो फलने में समय लगेगा और नर्सरी से खरीद के ला सकते हैं। तो नर्सरी से मैंने 150 रुपये में ख़रीदा था इसको, मुंगेर से। और इसको लगाए कैसे, तो आप मिट्टी सबसे पहले कैसे बनाए, तो मिट्टी आपको गार्डन सोयल कोई भी मिट्टी 50% लेना है, 30% आपको कंपोस्ट लेना है, कोई भी कंपोस्ट, गाय का कंपोस्ट हो जाए या फिर घर का जो सब्जी वगैरह का कंपोस्ट होता है गड्ढे में बनाते हैं, तो उस तरह मैंने तो सब्जी वाला कंपोस्ट लिया था, जो सब्जी का कचरा बच जाता है उससे मैंने कंपोस्ट बनाया था अपने गड्ढे में, उसी को मिक्स करके। और 50% मिट्टी हो गया, 30% कंपोस्ट हो गया और 20% आप कोकोपीट या रेत जरूर लें ताकि मिट्टी में नमी बनाए के रखें। और गर्मी दिन में ज़्यादा पानी देना, जैसे गर्मी दिन में तो आप पानी देंगे ही देंगे। और इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह होता है कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इस तरीके से होल आप बहुत ज़्यादा बनाएंगे ताकि, अभी मैंने देखिए अभी पानी डाला है और थोड़ा सा भी पानी नहीं है, सारा पानी निकल गया है। अगर इसमें पानी जमेगा तो आपका फल खराब हो जाएगा। तो इसमें इस तरीके से बहुत सारे चारों साइड आपको होल बना लेना है। और मिट्टी 50%, 30% कंपोस्ट और 20% आप कोकोपीट या रेत मिक्स करके आप पेड़ को लगाएं और इस तरीके से एप्पल वेयर उगाएं। और जब आपका फूल आता है तो एक प्लेनो फिक्स करके स्प्रे होता है, आप उस स्प्रे को फूल में देंगे तो फूल आपका झरेगा नहीं और फल ज़्यादा बनेगा। और एक ही बार दें, उसके बाद क्या होगा कि आपका फल जो है साइज़ भी बड़ा होगा। तो ये हार्वेस्टिंग सरस्वती पूजा के समय होगा और सरस्वती पूजा के 1 महीने बाद फिर से इसमें फूल आते हैं। तो साल में 2 बार फल देता है ये पौधा। आप देख सकते हैं कि कितने सारे एप्पल वेयर लगे हुए हैं, भर के फूल फल आए हैं। ये देखिए, आप इधर भी देखिए, अभी छोटे साइज का है और बड़ा होने में भी इसको समय लगेगा। तो फरवरी महीने में ये हार्वेस्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग 10 से 15 फरवरी के बीच में। और बहुत ही मीठे लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट, घर का ऑर्गेनिक जो होता है बिना केमिकल का, तो आप भी लगा के उगा सकते हैं। देखिए ये वाला साइज़ देखिए यहाँ पे, तो इस तरीके से आप हर एक डाली में लगा पड़ा है एप्पल वेयर। और ये आपको इस तरीके से सपोर्ट देना पड़ेगा इस खम्भे के साइड से, क्योंकि लद जाते हैं ऐसे करके। तो इस देखिए, आप इस तरीके सपोर्ट देंगे तो आपका डाल टूटेगा नहीं, और ऐसे रस्सी से पतले पतले डाल को बांधना पड़ता है मोटे डाल से। और एक कुर्सी मैंने लगा रखा है यहाँ पे ताकि बेर के डालियों को सपोर्ट मिले। तो यहाँ पे ये डाली झुक गया है, मैं इसको बांधूंगा, अभी मोबाइल पकड़ रहे हुए हैं इसलिए। तो आप देख सकते हैं हर जगह फल फूल से भरा हुआ है। कुछ फल खराब हो गए हैं इस छोटे छोटे, क्योंकि इसमें कीड़े लग गए और ये पीला हो गया है। तो ये बड़े फल तो बन गए हैं और ये छोटे वाले फल अब नहीं बन पाएंगे, कुछ जो ग्रीन वाले वही बन पाएंगे। तो आप देख सकते हैं हर जगह फल फूल लगे हुए। तो आप भी अपने छत पे लगाएं और मीठे मीठे एप्पल वेयर खाएं। तो तब तक के लिए बाय बाय, अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं।